आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पी एस वीटा, एक्सबॉक्स सीरीज सी अल्ट्रा स्लिम, पी एस सीरीज सुपर स्लिम, 1 TB सीरीज, एक्सबॉक्स सीरीज एस का काफ़ी स्टॉक अवेलेबल है। बिल्कुल लोएस्ट प्राइस के अंदर एक्सबॉक्स फैट अवेलेबल है। पी एस फोर प्रो स्पाइडरमैन एडिशन अवेलेबल है। पी एस फोर स्लिम 1 TB जेल ब्रेक अवेलेबल है। पी एस फाइव यूज में ब्रांड न्यू कंडीशन में अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं आया अपना मोहसिन भाई की शॉप पर गेम सोशन पर, और इस बार बहुत बेहतरीन स्टॉक अवेलेबल है। यहाँ पर काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी पी एस वीटा की, पी एस वीटा यहाँ पर अवेलेबल है विद बॉक्स भी, और अच्छा ये खूबसूरत सा केस भी यहाँ पे मौजूद है, और एक्सबॉक्स 360 का भी काफ़ी लोग कहते हैं मोहसिन भाई के पास अवेलेबल होता है या नहीं, तो वो भी अवेलेबल है। अल्ट्रा स्लिम, पी एस थ्री, सुपर स्लिम भी इस बार अवेलेबल है। अच्छा खासा स्टॉक अवेलेबल है यहाँ पे। कुछ रेयर गेम्स भी लेकर आए हैं जो आपको बहुत ही रेयरली देखने को मिलेंगे अपने किसी भी शॉप पर, वो भी यहाँ पे मौजूद है। यूज में पी एस फाइव है, पी एस फोर, एक्सबॉक्स सीरीज एस यूज में मौजूद है। इन सभी के प्राइसेस वगैरह ब्रांड न्यू, एक्सबॉक्स सीरीज एस, पी एस फाइव, एक्सबॉक्स सीरीज एक्स, सभी के प्राइसेस वगैरह अभी हम अपना मोहसिन भाई से पूछते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मोहसिन भाई, अपनी शॉप का एड्रेस वगैरह बता दें। एड्रेस ये गुरु मंदिर के पास है, मेन गुरु मंदिर पे, किसी ब्लू रिबन देखी हो, बिनौली मस्जिद है, अगर किसी ने वो देखा हो तो वहाँ पे आके मुझे फ़ोन कर लें, वरना अगर बिल्कुल सिंपल आपको चाहिए तो आप गूगल पे द गेम दूसरे लिखें और आप मेरी पिन लोकेशन पे आ जाएंगे। दोपहर 2 से रात 10 बजे तक आप कभी भी आ सकते हैं, और जब भी आना चाहे मुझे फ़ोन करके आ जाएँ। सही है। और क्या कहते हैं, अपना फ़ोन नंबर भी बता दें। फ़ोन नंबर 0342-29-04-189। सही। और ये कब तक आपको फोन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं कि अपना 12 बजे, 2-3 बजे हमारे पास तो लोग 3-4 बजे मैसेज कर रहे होते हैं, फिर मैं उनको अक्सर कभी उठाऊँ तो रिप्लाई कर देता हूँ कि भाई सुबह में मैसेज कर लें, तो मुझे रात 12 बजे तक मैसेज आपका मैक्सिमम है ना, 12 बजे तक मैसेज कर लें, कोई बात पूछनी है किसी चीज़ को, कुछ लेना है या नहीं, तो आप मुझे अपना कोई मशवरा करना है 12 बजे तक मैसेज कर सकते हैं, दोपहर 1-2 बजे से लेके रात 1 बजे तक, जब से जो चाहे पूछ सकते हैं। चलिए, मैसेज तो फिर भी चलता है पर कॉल भी कर रहे होते हैं, कॉल भी कर रहे होते हैं। ये मेरी शिकायत नहीं, काफी लोगों की और भी शिकायत है, उनके पास भी फोन आ रहे होते हैं। तो ये आप इस चीज़ का ख्याल किया करें कि दूसरा बंदा सो रहा होता है, आराम कर रहा होता है, आप कॉल पे कॉल वो भी 3-4 बजे कर रहे होते हैं, तो ये एक तरह से ये गलत बात है। तो आप बस मैसेज छोड़ दिया करें, वो जब सुबह उठेंगे खुद ही देर रिप्लाई मिल जाएगा। सही है। तो यहाँ पर ये हो गया, तो होम डिलीवरी सर्विस बताओ। होम डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी पूरे कराची के अंदर है, और COD की CDs लेते हैं, कोई कंट्रोलर है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर COD कैश ऑन डिलीवरी है, और इसके अलावा कोई कंसोल लेते हैं तो उसकी पेमेंट आपको एडवांस करनी पड़ेगी, और वो COD नहीं होता क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी है, पेमेंट ना COD करती नहीं है, तो जो भी कंसोल होगा उसकी आपको COD नहीं मिलेगी, उसमें आपको एडवांस पेमेंट करनी है, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। आप जो भी कंसोल लेंगे पहले आपको पूरी वीडियो बना के देंगे, अगर आप सीरियसली बायर होंगे तो, मतलब ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो कहते हैं वीडियो भेज दो, पिक्चर भेज दो, तो उनको मैं नहीं भेज पाता कंसोल की, अगर आप सीरियस हैं तो आपको भेजने से पहले पूरी वीडियो बना के दूंगा, चला के चेक करवाऊंगा, उसके बाद आपको पार्सल आपको भेजेंगे। सही है। वारंटी? वारंटी मेरी 1 हफ्ते की चेकिंग वारंटी है, आप कोई सा भी कंसोल लेंगे चाहे वो सील्ड है अनसील्ड है, 1 हफ्ते की चेकिंग वारंटी है। इसके अंदर देखिए लोग बहुत घुमाते हैं कि कोई कहेगा 6 महीने की, कोई साल की वारंटी है, 1 हफ्ते की चेकिंग वारंटी है, 1 हफ्ता मैक्सिमम है चेक करने के लिए मशीन, आप पूरी रात चला के छोड़ दें उसको चेक कर लें। हाँ ये है कि 1 महीने के अंदर अगर उसमें कोई सर्विस की ज़रूरत है उसको
अगर वो हीटअप हो रहा है, अगर कोई उसमें कोई छोटा मोटा सीडी का इशू आ रहा है, सीडी अटक रही है या सर्विस की ज़रूरत है, हीटअप पे जा रहा है, तो वो एक महीने के अंदर सर्विस फ्री है उसकी। सही है, एक मंथ तक की आप उसकी सर्विस करवा सकते हैं। अपना किस लिमिट क्या है इसकी सर्विस? लिमिट ये कि आपका हीटअप पे आ रहा है, आपका सीडी से हम सीडी नहीं उठा रहा, अगर आपको लग रहा है कि आपका कंट्रोलर में कोई इशू आ रहा है तो वो आप एक महीने के अंदर करवा सकते हैं। नहीं नहीं, जैसे पावर सप्लाई का इशू, अगर पावर सप्लाई की तो एक हफ्ते की वारंटी भी नहीं है। अच्छा। आप मुझसे लेके जाएं, आपके यहाँ वोल्टेज 400 आ जाएं, आप जनरेटर या सीडी रोम सीडी नहीं उठा रहा हो, तो वो आप करवा सकते हैं। तो ये सब हो गया अपना। किसी को अपना कंसोल गेम या कंट्रोलर सेल आउट करना है या एक्सचेंज कराना है या रिपेयर करवाना है? हाँ, रिपेयर करवाना है तो कोई भी इशू होगा तो इंशाल्लाह कोशिश है कि सेम डे हो जाए। बाकी ये कि हम आपके पास कोई भी कंसोल होता है, PS3 है, PS4 है या एक्सबॉक्स है, अगर आप बेचना चाहते हैं, अगर आप कराची से हैं तो राइट आप से पिक कर लेगा, अगर आप आउट ऑफ सिटी से भेजते हैं तो जिस दिन रिसीव होगा विद इन 3 to 4 आवर वो चेक होगा और आपको पेमेंट सेम डे लगा दी जाएगी। आपके पास कोई भी कंसोल हो, कोई भी सीडीज हो, तो आप भेज सकते हैं। कंट्रोलर्स में ये कि कंडीशन देखता हूँ मैं, अगर अच्छी होगी तो परचेज करते हैं, वरना नहीं। और रिपेयरिंग? रिपेयरिंग में कोई भी फॉल्ट होगा अगर कराची से है तो सेम डे ही फिक्स होकर मिल जाएगा, इनकेस अगर कोई बड़ा फॉल्ट नहीं होता तो। अगर आप आउट ऑफ सिटी से हैं और कोई भी फॉल्ट हो तो आप भेजें, कोशिश होगी 1-2 दिन के अंदर आपको ठीक करके भेज देंगे। किस किस हिसाब के कौन से कंसोल आप रिपेयर करते हो, कौन कौन से करते हैं? PS3 फैट नहीं करते, इसके अलावा PS3 स्लिम से लेके PS5 तक करते हैं। 360 फैट नहीं करते, 360 स्लिम से लेके Xbox सीरीज एक्स तक करते हैं। Xbox सीरीज एक्स तक आप कर रहे हैं? सही है। Xbox One X, Xbox सीरीज एक्स नहीं है? सीरीज एक्स में तो एक दफ़ा कंप्लेन आई थी खाली सप्लाई की, बस वो चेंज कर दी थी। सही है, इसके अलावा तो सीरीज एक्स में कंप्लेन नहीं है। सही है। तो यहाँ पे रिपेयरिंग का, जैसे मैंने हर बार भी कहा है कि मैं माशाल्लाह खुद इनसे रिपेयर करवाता रहा हूँ अपने कंसोल, तो अच्छे से ये रिपेयर करके देते हैं, आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बस एक चीज़ मैं आपको खुद क्लियर कर दूँ, क्योंकि मेरे साथ ही ऐसा हुआ था। इसमें ये कि आपने कोई भी कंसोल परचेज करेंगे ना, तो भेजने से पहले आपको सेटिस्फाई करेंगे, हर चीज़ की वीडियो बना के देंगे, उसके बाद अपने पास से बबल ऐप करेंगे, वहाँ जाएंगे, भेजेंगे, आप उसको चलाएं, चेक करें, कोई फॉल्ट होगा तो मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप उसको लेते हैं और आप कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे पसंद नहीं आया, तो उसकी वापसी नहीं है, वो मैं वापस भी कर लूँगा तो पैसे आपके माइनस होंगे, क्योंकि मैंने पूरा टाइम उस पर लगाया है। और जब आप भेजते भी है ना, तो भेजते हुए आप कहते हैं कंप्लेन आ रही है, मैं उसको फिर दोबारा चेक करता हूँ कि मैं इन फ्यूचर में किसी कस्टमर दूसरे कस्टमर को ना दूँ कंप्लेन वाली चीज़, और आप फिर आप कहते हैं कि नहीं यार इसमें तो बस मुझे पसंद नहीं आया था, तो उस चीज़ की कोई वारंटी नहीं है, वो आप उसको जो है वो 100% रिफंड नहीं होगा। ये मैं भूल गया था ये पॉइंट अपना इंक्लूड करना, क्योंकि लास्ट टाइम इनके साथ हुआ है ये सीन कि पसंद ना पसंद का करके सीन, वो काफ़ी दफ़ा उन्होंने कहा कि नहीं इसमें मसला है, ये बंद हो जाता है, मैंने इसको 4 घंटे गॉड ऑफ वॉर पर देख लिया, जब उनको सारी वीडियोज़ भेजी तो वो कह रहे हैं अच्छा यार ये मुझे पसंद नहीं आया था ये बात थी, तो इस चीज़ की वारंटी नहीं है। मैं आपको अभी क्लियर कट कह रहा हूँ कि मेरे पास जो भी चीज़ होती है ना, अगर सील्ड है तो 100% सील्ड होगी, खुला हुआ है तो मैं उस पर लिख के भेजूंगा ये खुला हुआ है। और अगर ना पसंद वाला सीन हुआ वापस करने आए तो साफ सी बात है विद इन अ वीक भी ऐसे उसी दिन अगर वापस आ गए कि भाई मुझे पसंद नहीं आया, तो फिर वही अपना उसके कटिंग। अगर कराची से भी होंगे ना तो सेम डे अगर आपने कहा कि मुझे पसंद नहीं आ रहा कुछ नहीं हो रहा, तो शायद मैं उसे वापस ले लूंगा बगैर उसके। इन कराची अगर हुए अगर आप आउट ऑफ सिटी हैं, क्योंकि वो पहुंचेगा आपको 2 दिन बाद, फिर आप उसको चेक करते हैं, फिर आप उसको वहाँ से भेजेंगे, फिर 2 दिन लग जाएंगे, तो एक हफ्ता तो वैसे ही जाया हो जाएगा जी। तो उस केस में हमारे पास ऐसा 100% रिफंड नहीं है, ऐसा नहीं है जी। तो वही आपका जो होगा प्रॉफिट जो काटना होगा, जो थोड़ा बहुत माइनस होगा, परसेंट जो होता है काटना, वो हो जाएगा। सही है। अच्छा मोहसिन भाई, आपकी वेबसाइट भी आप लॉन्च करने का कर रहे हैं? बिल्कुल, वेबसाइट जो है वो इंशाल्लाह विद इन अ वीक या 10 डेज के अंदर लॉन्च हो जाएगी। वैसे तो अभी वो है, लेकिन उसमें मेंटेनेंस का कुछ काम चल रहा है, कुछ इस पर प्रोडक्ट्स वगैरह अपलोड हो रहे हैं, तो आफ्टर अ वीक विद इन 10 डेज इंशाल्लाह आपको जो जितना भी वो स्टॉक चाहिए हो तो आप वहाँ पे भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सही है। तो ये अपने वेबसाइट होगी thegamesocean.com होगी। सही है। अभी भी आप उसको सर्च कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये कि प्रॉपर उसे प्रोडक्ट्स अपलोड हो गए तो फिर उसकी जो प्रॉपर मार्केटिंग है वो करेंगे। सही है इंशाल्लाह। तो अच्छा रेंटल सर्विस का बताएं अपनी। रेंटल सर्विस ये है कि गेम पर डिपेंड करता है, अगर गेम जैसे PS5 का लास्ट ऑफ अस है या कोई हैवी गेम बड़ा गेम है जिसकी वैल्यू 12,000 है 14,000 है, तो उसका रेंट होगा 150 या 100, वो डिपेंड करता है कि गेम कौन सा है। और आप उसको जो है फुल अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, पर डे आपका रेंट 100 रुपीज़ है, तो अगर आपने 2 दिन में भी खेल लिया तो आप 200 रुपये माइनस होंगे, आपकी अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगी, ये वापस कर दें। इसमें ये कोई काफ़ी जगह ये कि लिमिटेशन है कि आपको 10 दिन के लिए बाउंड कर देंगे कि आपने 10 दिन रखना ही रखना है, तो हमारे पास ऐसा सीन नहीं है। आपको अगर आपका गेम 2 दिन में कंप्लीट होता है, आप 2 दिन बाद 200 रुपये में गेम खेल लें, वापस कर दें। सही है, यानी कोई बाउंड वगैरह होने की नहीं, नहीं कोई लिमिटेशन नहीं है। PS4 इसी तरह PS4 में 50 रुपीज़ से लेकर 150 तक का गेम है, आप 50 वाला गेम ले 2 दिन में कंप्लीट करें 100 रुपीज़ माइनस होंगे आपसे, वो भी आप। अब जैसे अनचार्टेड 4 रहता है, ये तो बहुत पुराना गेम है, तो इसके 50 रुपीज़ होंगे, 50 रुपीज़ हैं इसके 50 रुपीज़ होंगे, वही स्ट्रीट फाइटर 50 रुपीज़, पर क्रिकेट 19 लेते तो 100 हो सकता है इसका, वही क्रिकेट 22 लेते 150 भी हो सकता है। वैसे भी रेयर टाइटल है, अगर मैं आपको रेंट पे दे दूंगा ना तो
अगर उस दौरान कोई मेरे पास बायर आता है खरीदने वाला, तो मैं उसको भी मिस कर रहा हूँ जी, इस वजह से रेंट उसका ज़्यादा होगा। सही है। और आप ये भी तो कह रहे थे कि डिपॉजिट का भी बता देता समझा। डिपॉजिट का ये है कि आपने जो भी गेम लेंगे उसकी 100% वैल्यू आपने डिपॉजिट करनी है। आप कराची से हैं, गेम यहाँ पे रिसीव करें, अपने पेमेंट दें और यहाँ लेके चले जाएँ, दो दिन में कंप्लीट करें, अपने पेमेंट वापस लें और गेम देके चले जाएँ। अगर आप डिलीवर करवाना चाहते हैं तो पिक एंड ड्रॉप के चार्जेस बिल्कुल सेपरेट होंगे, उसका 100 rupees पर डे से कोई ताल्लुक नहीं है। अब डिपॉजिट 100% पूरा इसलिए ले रहे हैं कि अगर आप चलो आपका बेचने का मूड हो गया या खुद लेने का मूड हो गया तो फिर आपको आपने ज़्यादा दिन रख लिया, आपको पसंद आया, आपको दूसरे याद रख लें, उसको वापस रख लें, वो वापस करने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं होती है, आपके यहीं पे फिर इनके पास वही अपना एक तरह आपने खरीद लिया गेम। जी हाँ सही, यहाँ पर ये सारी हो गई। अच्छा मोहसिन भाई, मैं देख रहा हूँ आपने थर्मल पेस्टिंग यहाँ पे रखी हुई है यहाँ पर, तो ये बताएं जरा कौन सी थर्मल पेस्टिंग। अच्छा जैसे कि आप मार्केट से सर्विस करवाते हैं तो लोग कोई सर्विस आपको 1000 में भी कर रहा है, 1500 में कर रहा है, तो आप ये चेक करेंगे जो थर्मल पेस्ट लगा रहे हैं वो कौन सा लगा रहा है। हमारे पास जो है सबसे जेन्युइन जो MX4 है और सबसे अच्छा है, ये वो यूज़ कर रहे हैं हम लोग। सही है, इसमें 100% आपको जो है वो हीटअप खत्म हो जाएगा, आपका पास कोई हीटअप का इशू नहीं आएगा, फैन तेज नहीं चलेगा। और ये इसके क्या रेट है वैसे लगा लेंगे? हर कंसोल की अलग लेते हैं, फैट है तो अलग लेंगे, स्लिम अलग लेंगे, फिर उसमें अलग अलग होता है कि आप पिक एंड ड्रॉप ही करवाते नहीं करवाते या यहाँ देते हैं, और ये जो सर्विस का कोई भी इशू होगा वो तो विद इन फ्यू आवर्स ही आपको। फिर भी एक रेंज क्या होगी इसकी? ये 2500 से 4000 तक का, 4000 है। सही है, तो यहाँ पे ये हो गए। अब हम आते हैं कंसोल्स के प्राइसेस पर। तो सबसे पहले यहाँ पर PS Vita जो काफ़ी लोगों की आजकल डिमांड चल रही है इसकी, तो यहाँ पर पहले मैं आपको इसका पाउच दिखा देता हूँ कैसा है इसका पाउच। यहाँ पर है PS Vita, खूबसूरत पाउच है यहाँ पे ब्लैक में, और ये रहा आपका खूबसूरत सा कंसोल। ये मैं आपको निकाल कर भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं साफ सुथरा कंसोल है यहाँ पर, स्क्रैचलेस थोड़े बहुत होंगे कि ग्लोसी है, पर काफी खूबसूरत है यहाँ पर। और ये अच्छा कि ये 100% सील्ड है, ये कभी खुला नहीं है। सील्ड है, सही है। आप किसी को भी चेक करवा दें, कोई कहता है खुला हुआ है तो आप वापस लेके चले हैं। इवन की जिसने जिन्होंने लिया था उन्होंने बॉक्स पे के लिया था, और इस पे थंब कैस भी लगे हुए जी, यहाँ पे एक पे लगे हुए, वो एक अभी यहीं के शायद इसमें गिर गया होगा, तो मेरे पास ही है, मैं दूंगा आपको दोनों थंब कैस। इसमें बॉक्स भी एक्स्ट्रा हैं, वो भी हैं, उसको साफ सुथरा से निकल गया जी। सही है, तो ये आप कितने का दे रहे हो फिर? ये मैं दे रहा हूँ 25 का, 25,000 का आप ये दे रहे हो। जी हाँ। अच्छा इसमें मेमोरी कार्ड भी है लगा हुआ है, और इसमें काफ़ी गेम्स भी इंस्टॉल्ड हैं, PSP का एमुलेटर भी इसमें इंस्टॉल्ड हुआ है। सही है, किसका? PSP का, इसमें PSP के गेम भी सारे चलेंगे। सही सही, आप इसमें चाहे तो कोई गेम एक प्ले करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे चल ही रहा था वैसे, पर मैं आपको वैसे गेम्स दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 है यहाँ पर, मेटल गियर सॉलिड 3 है, रेजिडेंट एविल 2 है, रेवोल्यूशन 2 है सॉरी, स्ट्रीट फाइटर वर्सेस टेकन है, असैसिन क्रीड 3 है, ये लिबरेशन है, और बैटमैन भी होगा इसमें, अनचार्टेड ये गोल्डन एबिस है, गॉड ऑफ वॉर क्या कलेक्शन है पूरा, मैं कहता ये अपना ओरिजिन कलेक्शन होगा, बैटमैन अर्कम ओरिजिन यहाँ पे मौजूद है, अच्छे अच्छे गेम यहाँ पे मौजूद हैं आप देख सकते हो। ये इसका ओरिजिनल बॉक्स भी साथ में, इसका चार्जर भी ओरिजिनल है। सही, ठीक है, ये देख सकते हैं कि बॉक्स की कंडीशन भी अच्छी है, आप देख सकते हैं कैमरा वगैरह इसका, तो और बॉक्स की कंडीशन आपने दिखा दी, इसके अंदर चार्जर वगैरह सब कुछ सब कुछ है, सब कुछ है। सही है, तो ये 25,000 में आपको एक खूबसूरत मशीन यहाँ पर मिल रही है अपना PS Vita। सही है, ये हो गया। वहीं अब Xbox 360 अल्ट्रा स्लिम पर हम जाते हैं जी, तो इसका रेट बताएं आप। अल्ट्रा स्लिम मेरे पास रखा हुआ है, 360 है, अल्ट्रा स्लिम है, 250 GB है, और ये कोई रिपेयरिंग नहीं है इसके अंदर, आप जिसको चाहे खुलवा के चेक करवा सकते हैं। मैं आपको इवन स्लिप पे लिख के भी दूंगा कि ये 100% नॉन रिपेयर्ड है। ये चीज है जी, ये जेटैग हुआ ना, जेटैग हुआ। सही है, जेटैग खुल गई है जी जी, लेकिन आप इसी ग्रिप वाला देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई वो इतनी डस्ट नहीं है, बहुत कम यूज है। हाँ डस्ट वगैरह इतनी नहीं है, इसमें जो है वो इसके इंस्टॉल्ड है। सही, अभी मेरे ख्याल आपने इस पर पॉलिश नहीं की ना? नहीं कुछ भी नहीं किया, क्योंकि साफ साफ लग रहा है यहाँ पर, जो जेन्युइन कंडीशन में है ये वही है। और वैसे जब आप नॉर्मली एक्सबॉक्स लेते हैं तो उनके रोम खराब होते हैं, क्योंकि मेजोरिटी हार्ड डिस्क में कॉपी रहती है, इसका सीडी रोम भी ठीक है। अगर आपके पास लोकल सीडीज हैं, कुछ मेरे पास भी रखी है, मैं वो दूंगा, तो आप सीडी से भी कर सकते हैं, और अगर गेम्स कॉपी करना चाहते हैं तो गेम भी कॉपी करके देंगे। इसकी मैं डिमांड कर रहा हूँ 28,000।
और वहीं अपना PS3 सुपर स्लिम। जी PS3 सुपर स्लिम मेरे पास रखा हुआ है, ये सुपर स्लिम है, ओरिजिनल कंट्रोलर के साथ है, विदाउट बॉक्स है। सही। और ये सील्ड है, ये खुला नहीं है। सील्ड है ये? ये सील है, ये आप देख सकते हैं सील्ड है। ये कितने का दे रहे हो? ये मैं दे रहा हूँ 35 का 1TB। आप देखिए 1TB है और विद फुल ऑफ गेम्स है। इसके अंदर अराउंड 70 प्लस गेम इंस्टॉल्ड हुए हैं, इसी में 35 डिमांड कर रहा हूँ। PS3 है सुपर स्लिम विद ओरिजिनल कंट्रोलर और 100% फील्ड है और 1TB है। सही है। अच्छा Xbox Series S ब्रांड न्यू की क्या अपडेट चल रही है? 95 अराउंड हुई है। 95 के अराउंड ब्रांड न्यू हुई है। वही सीरीज एक्स अभी तकरीबन 170-175 तक का हो गया। सही है। और वहीं अपना PS5 के रेट अभी रोज फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो इसमें PS5 का जो अभी आज का रेट है वो 167 है। 167 है, 1,67,000 67,000 आज का रेट है। सही है। ये जापान का है ना? जापान वाला। यूके यूएसए का? यूके यूएसए अराउंड 175-178 चल रहा है, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका बजट है PS5 का तो आप जापान वाला लें, 100% सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, कोई मसला नहीं है। ये मेरा अपना PS5 रखा हुआ है जी। अगर इसका बॉक्स ही ऊपर देख लेंगे तो ऊपर रखा हुआ है, ये भी जापान वाला ही है। अगर कोई फॉल्ट होता, अगर यूएसए अच्छा होता तो मैं डेफिनेटली खुद यूएसए यूज़ करता, आपको रिकमेंड नहीं करता। सही, 100% सेम है। सही। तो अब पहले हम जेलब्रेक कंसोल्स पर आते हैं। तो सबसे पहले ये PS4 प्रो जेलब्रेक स्पाइडरमैन लिमिटेड एडिशन मौजूद है, इसका रेट बताएं। सील्ड है जी? ये सील्ड है, ये मैं दे रहा हूँ 115,000 का। 115,000 रुपये का। इसमें ये है कि जो मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकेगा और जो आपकी रेफरेंस आएगा उनको मैं जो डिस्काउंट होगा वो कर दूंगा। ये जेलब्रेक है और बिल्कुल लिमिटेड एडिशन है और 100% सील्ड है। सही है। ये आपको मैं सील दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये ब्लैक सील है और ये अपना दूसरी सील है। तो ये USA वाला पीस है मतलब? जी। और ये कभी खुला वाला सर्विस वाला कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, इसका ओरिजिनल कंट्रोलर नहीं इसका? ये इसका जो स्पाइडरमैन वाला है वो नहीं है, ये वैसे 100% ओरिजिनल है और रेड कलर में है। सही है। अच्छा, तो ये इस पर जाए हम, ये PS4 फैट जेलब्रेक, ये फैट मिल जाएगा, जेलब्रेक है और ये 1TB है। 1TB है जी। और ये मैं दे रहा हूँ 69,000 का जी। मैंने कहा था कि वीडियो के अंदर कि मैं प्राइसेस जो है वो सब पे कम करूंगा, वैसे तो हर बंदा कह रहा है कि स्टॉक शॉर्ट है वो है, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि फिर भी कम से कम मार्जिन पे दूंगा ताकि प्राइस जो भी इसको अवेल करना चाहे वो कर सकता है। सही। और इस वाले पर हमारी ये सर्विस है, ये सर्विस हुआ है और वैसे भी अभी फैट जो है वो 65 का 500 GB चल रहा है जी। ये मैं दे रहा हूँ आपको 63 का। 63 का आप ये दे रहे हैं जी? हाँ। सही है। और ये स्लिम पर हम आए 1TB जेलब्रेक पर, ये स्लिम रखा हुआ है 1TB, बहुत अच्छी कंडीशन में है। ये मिलेगा 87 का। और ये वाला? ये वाला मिलेगा आपको 90,000 का। स्लिम है, 1TB है, 2216 मॉडल है। और इसका आप वर्जन चेक करें कौन सा है? ये 7.0 है। 7.0 यानी कि ये कब से बंद पड़ी ये मशीन? जी, ये 7.0 पे शायद जेलब्रेक हुआ था जी। तो अभी आप कहेंगे तो मैं इसको 9.0 पे करके दे दूंगा। सही है। और यहाँ पर हम आए, ये सील्ड है। अच्छा, ये वाला? ये सील्ड है, ये 1100 मॉडल है विद बॉक्स है। ये बॉक्स का अपना नहीं है लेकिन 1100 मॉडल का ही बॉक्स है। सही। ये सील्ड है, ये आपको मिलेगा 64 का जी। हाँ। अब हम आते हैं ये अपना नॉन जेल ब्रेक की तरफ। तो पहले इसका बताएं, आप कह रहे थे कि ये बहुत बेहतरीन रेट आप दोगे जी, तो बताएं फिर क्या? मैंने ये दे रहा हूँ PS4, ये 1100 मॉडल है, एक कंट्रोलर के साथ है, ये इसका अपना बॉक्स है। सही। ये इसका लोकल बॉक्स नहीं है। ये मैं दे रहा हूँ 36 का। और इसमें जैसे कि मैंने कहा था कि मैं पैसेज बहुत लो करी हैं जी, जी। 36 का PS4 मिल रहा है और एक महीने की एक्स्ट्रा मेंबरशिप के साथ। एक महीने की तुर्की वाली। तो एक महीने की एक्स्ट्रा मेंबरशिप तकरीबन ये मेरे ख्याल से होती है 1900-2000 तक की ये होती है। देखिए एक्स्ट्रा है ना, तो आपको तुर्की से तो कुछ नहीं करना, आपको तो गेम ही प्ले करना है। गेम तो आपको इंग्लिश में ही होंगे ना, तो आप इसमें PS4 भी का मिलेंगे, अपनी आईडी बनाई वैसे की, मैं आपको अकाउंट भी दूंगा। और अगर कोई आउट ऑफ सिटी है तो जिस दिन रिसीव हो या वो चाहते हैं कि 2-4 दिन बाद रिसीव मैं लेना चाहता हूँ, तो जब वो कहेंगे उनको एक महीने की मेंबरशिप दे दी जाएगी। अच्छा, ये आप फिर एक काम भी करिएगा कि अपना तुर्की वाली मेंबरशिप को प्राइमरी वगैरह करके ना ये भी सेट कर दीजिए। वो मैं जो भी लेगा मैं उनको समझा दूंगा ताकि वो अपना ना ऑनलाइन कर सकें, खेल सकें। ठीक है। ये मैंने काफी कस्टमर को इस तरह के अगर मैं देता भी हूँ तो वो तुर्की वाले अकाउंट से ही खेलते रहते हैं, उनको कोई इशू नहीं होता। तो भाई ये एक तरह से जैकपॉट आपको दिया जा रहा है, एक तरह 36,000 रुपए का अपना ये पावर इशू पे बना है। सिर्फ पावर ऐसी पे रिपेयर है उसी, और कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से चला के दे सकते हैं जी। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह जो है वो एक ये भी है, ये भी पावर पे रिपेयर है, बहुत छोटे फॉल्ट पे रिपेयर है, कोई ऐसा बड़ा फॉल्ट नहीं है और इसकी वारंटी मैं आपको ज़्यादा दूंगा, आप तसल्ली से चेक कर सकते हैं। ये मैं दे रहा हूँ 38,000 का ये दे रहे हो आप। ये फैड है, 1200 मॉडल है और एक महीने की एक्स्ट्रा की मेंबरशिप इसमें भी इंक्लूड है। सही है। सिर्फ फर्क ये है कि ये 1100 है, ये 1200 है बस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40,000 से भी नीचे आपको यहाँ पे PS4 फैट मिल रहा है, वो भी एक महीने एक्स्ट्रा के साथ, एक मंथ की एक्स्ट्रा मेंबरशिप के साथ। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन यहाँ पे रेट दे दिए गए अपना मोहसिन भाई की तरफ से, और हर बार की तरह इस बार भी इन्होंने शॉक किया है मुझे अपने रेट से।
और अब हम आते हैं PS4 Slim की तरफ। 500 GB नहीं इसमें, 500 GB रखा हुआ है, तो इसके रेट ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। 2216 मॉडल है और अपना इसका अपना बॉक्स है, ये 2216 लिखा हुआ है जी। और इसका अपना जर्मन बॉक्स है, ये मिलेगा आपको 58 का, 58 का ये आप दोगे, सही है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। और इस जैसे कि इन सब में मेंबरशिप है तो इसका भी इसके साथ भी है मेंबरशिप, इसमें भी एक महीने की एक्स्ट्रा की मेंबरशिप इंक्लूड है। और वहीं इस वाले इसी तरह ये स्लिम है, 1 TB है, 2216 मॉडल है, ये दोनों पीस बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में, ये बहुत बहुत कम यूज होंगे इनकी। अगर मशीन मेरे पास स्पेस नहीं है ना आपको इनकी दिखाता कंडीशन, ये 10x10 कंडीशन में होगा, ये मिलेगा 63 का, 63 का ये मिल जाएगा, सही है। इसमें भी एक महीने की मेंबरशिप के साथ, सही है। और यहाँ पर हम आए, ये प्रो है, ये विदाउट बॉक्स है, 100% सील्ड है, ये आपको मिल रहा है 70 का एक महीने की मेंबरशिप के साथ, 70,000 का एक मंथ की मेंबरशिप के साथ, जी हाँ। सही है। वहाँ पे 72 की बस आपको मशीन में जहाँ मिल रही होती, 75 की मिल रही होती, 70,000 में एक मंथ की मेंबरशिप के साथ आपको यहाँ पे PS4 प्रो मिल रहा है, बेहतरीन। और यहाँ पर हम आए, अच्छा इसी तरह एक ये स्लिम रही है, दूसरा मैंने फैट पे से लगाई, इसमें एक स्लिम पे भी से लगाई है, सही है। ये वाला आपको मिलेगा 47 का, 47 का PS4 स्लिम मिलेगा, ये सिर्फ पावर पे रिपेयर है और कुछ नहीं है, लेकिन आप बगैर टेंशन के चला सकते हैं, कोई मैं आपको लिख के वारंटी सी ज्यादा की दूंगा, सही है। इस 47 में भी महीने की मेंबरशिप इंक्लूड है, सही है, बेहतरीन। और अब हम आते हैं एक बार सीरीज एस की तरफ जी। ये मेरे पास 3 पीसेस के आए हुए हैं, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है और 100% सील्ड है, ये मिलेंगे 78 का, 78,000 क्योंकि अभी नया कोई सा भी ले लें, अभी नया तो वैसे 95 अराउंड हुई है, तो ये 78 का मिलेगा, सही। और इसमें भी कोशिश होगी जो आपके रेफरेंस आएगा मैं उसको डिस्काउंट कर दूंगा, सही। अच्छा सीरियल में डब्बे वाले PS4 प्रो आपके मौजूद है तो बताएं इनके रेट क्या है जी। ये वाला आपको मिलेगा 72 का, 72 का ये वाला मिलेगा, ये 72 मॉडल है, और लिविन वाला मॉडल है, सही। और ये वाला ठीक है, ये वाला मिलेगा 70 का, 70 का ठीक है, इसके अंदर भी एक महीने की मेंबरशिप इंक्लूड होगी, सही, दोनों में जी हाँ। इसी तरह अगर ये PS4 लेते हैं जैसे वो 47 का था, ये भी 47 का है, इसमें भी एक महीने की मेंबरशिप इंक्लूड है। अच्छा इसी के अलावा मेरे पास एक PS5 आया है यूज में, ये है 1200 मॉडल है, 1200 मॉडल है ठीक है, सही है। ये वैसे तो यूज है लेकिन इसकी जो कंडीशन है वो लाइक ब्रांड न्यू है, सही। ये मैं दे रहा हूँ 155 का, मैं आपको इससे कंट्रोलर दिखाता हूँ तो आप कंडीशन से इसको जज कर लेंगे कि ये कितना यूज है। अच्छा ये कौन से अपना अपना है ये रीजन का, ये जापान रीजन है, 1200 मॉडल है, सही। अभी आप मार्केट में यूज लेने भी जाएंगे ना तो आपको 1200 मॉडल यूज मिलेगा क्योंकि लॉन्च ही अभी हुआ था और मेजोरिटी यूज ही कर रही है उसको, सही है। इसकी मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ कंट्रोलर की, तो आप मशीन की कंडीशन खुद जज कर लेंगे कि कैसी होगी, बेहतरीन। ये ब्रांड न्यू है, ब्रांड न्यू कंट्रोलर है, लेकिन ये हार्डली 10 या 15 दिन यूज है, और जिनसे उनके पास असल में गिफ्ट आ गया था कहीं बाहर से, सही है, तो उन्होंने मुझे ये दे दिया। और ये मैं कहूँगा कि अगर किसी को भी मैं दूंगा वो ब्रांड न्यू ही बेचेगा, आप देख रहे हो आइकन PlayStation जी। ये अगर कोई शॉप वाला भी होगा या मेरा कोई और होता है तो वो ब्रांड न्यू देगा, आप देख रहे ना साइड तक में से कोई डस्ट भी नहीं लगी, कोई डस्ट नहीं है, साफ सुथरा पीस है बिल्कुल, कोई साफ नहीं किया, कोई पॉलिश नहीं करी, अच्छा, कुछ नहीं, तो पॉलिश भी नहीं की, सही, कोई भी नहीं है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है ये, सही है। इसकी चार्जिंग पोर्ट भी दिखाएं जरा, चार्जिंग पोर्ट्स, ये पोर्ट्स होती है ना इनसे मशीन का सही अंदाजा लगता है कि कैसे इस्तेमाल हुई है, क्योंकि नॉर्मली तो पॉलिश हो जाएगी ऊपर से, जी जी पोर्ट्स मेन होती है, तो आप देख सकते हैं पोर्ट जैसे कि यूज हुए ही नहीं है, नहीं इसके बटन है, आप दूर से देखिए ना तो ये बिल्कुल इस तरह ग्लॉसी पता चल रहा है कि ये नया है, नया है, तो बेहतरीन। ये 155 का आप ये दे रहे हैं जी, यहाँ पर ये हो गया। और अब हम आते हैं कंट्रोलर की तरफ, कंसोल तो हमारे सारे हो चुके हैं, तो कंट्रोलर पहले PS4 के, ये जो ओरिजिनल ये कंट्रोलर मेरे पास मिल जाएंगे 6,000 से लेके 9,000 तक, ये यूज है अच्छा सारे जी जी हाँ, सही है, ये 6,000 से लेके 9,500 तक के हैं, सही। इसमें जो 9,500 का है वो ये है, मैं एक ही कंडीशन आपको दिखा देता हूँ, वैसे नया भी 14,000 का हो गया है, सही सही, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू, ये 9,500 का मिलेगा, 9,500 रुपए का ये मिलेगा, सही है। यहाँ पर ये वाले कंट्रोलर हो गए, वैसे जाए हम कॉपी कंट्रोलर पर तो ये गोडा वाले आपको मिलेंगे 4500 के, 4500 के, सही है। और ओरिजिनल कंट्रोलर ये एक मौजूद है, ये है 14,000 का, 14,000 रुपए का ये है। Xbox सीरीज का ये यूज में कंट्रोलर आया हुआ आपके पास, ये दो आए हुए मेरे पास, एक ये वाइट है जी, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में, सही देख सकते हैं आप, ये 14,000 का है, 14,000 का ये है, ये नया अभी तरीबन 18,500 का है, सही है। अच्छा ये सीरीज एस में भी चलेगा, सीरीज Xbox One में भी चलेगा, वायर वाला है ना, ये वायर वाला है, लेकिन लेटेस्ट जो आया था ना सीरीज एस के साथ ये वो है, वैसे Xbox One में भी चलेगा, ये मैं दे रहा हूँ 7,000 का, 7,000 का ये दे रहे हैं, सही है। और वही PS5 की कॉपी कंट्रोलर, ये सॉरी ओरिजिनल कंट्रोलर से ये मिलेगा 15,000 का, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है विदाउट बॉक्स है, बस ब्रांड न्यू कंडीशन में, 15,000 का, और अगर वाइट में रहेंगे
तो ये 14,000 का, 14,000 का। और वैसे ब्रांड नहीं लेंगे कंट्रोलर तो इसमें से वाइट लेंगे तो 20 का है, ब्लैक लेंगे 20 का है, पिंक लेंगे 18 का है, कैमो लेंगे 21 का है। अच्छा ये भी यूज्ड है आपके पास? ये भी यूज्ड है, ये ब्रांड न्यू कंडीशन में 14,000 का, 14,000 का है ये। सही है, यहाँ पर कंट्रोलर्स वगैरह सारे हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब गेम्स की तरफ हम आते हैं, तो यहाँ पर आप जैसे हर बार की तरफ बहुत बेहतरीन कलेक्शन यहाँ पे मौजूद है गेम्स का। लास्ट ऑफ पार्ट वन से स्टार्ट लेंगे, इसके रेट बताएं? ये 13.5 का है, 13.5 यानी 13,500 का है। सही यूज में। अच्छा रेजिडेंट ईविल विलेज 6,500 का, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक 11,500, किंग ऑफ फाइटर्स 15, ये ब्रांड न्यू है 12,000 का, और सीफू, सीफू का मेरे पास स्टील बुक एडिशन है 6,000 का, 6,000 रुपए का। और पीछे में क्या नॉर्मल है? नॉर्मल है 5,500 का, 5,500 का। सही है, 5,500 का। और ये स्टील बुक है स्ट्रीट फाइटर 6, ये ब्रांड न्यू है 14,000, 14,000 का। डेड स्पेस यूज है 13,000, क्वालिटी वैनगार्ड 6,500, एल्डर रिंग का। ये आपके पास स्टील बुक आया हुआ है जी, एक तो ये लॉन्च एडिशन है, ये अलग है के साथ है। सही, स्टील बुक के साथ लेंगे 8,000 का है, 8,000 का। कौन सा वाला? स्टैंडर्ड वाला, स्टैंडर्ड वाला, स्टैंडर्ड वाला। तो वैसे ही लॉन्च एडिशन है, इसमें काफी चीजें इंक्लूड है। 8,000 का। और ये वाला लेंगे 8,500 का। सही है, ये यूज्ड है। अच्छा दोनों जी। और क्रिकेट 22 7,000, ईवल वेस्ट 9,500, एनएफएस अनबाउंड ये ब्रांड न्यू है 12,000, 2K22 ये यूज है 5,500, हिटमैन 3 6,500, मॉडर्न वॉरफेयर मेरे पास एक पीस आया है, ये मेरे ख्याल आपने भी कहीं देखा नहीं होगा जी, ये 15,000 का है, 15,000 का यूज में। और ये वाला है 13,500 का, ये 15 का इसलिए कि आपने रीजन ऑफ नहीं देखा होगा अभी नहीं। मॉडर्न वॉरफेयर अभी आप कहीं से भी लेंगे ना, आपको हर जगह से रीजन 2 मिलेगा, रीजन ऑल नहीं मिलेगा। ये, तो ये रीजन ऑल है। सही है, ये एक मेरे कस्टमर ने वो बाहर से ही लेके आए थे रीजन ऑल। सही है, तो यहाँ पे पाकिस्तान में भी मैंने खुद नहीं देखा किसी के पास रीजन ऑल, ये रीजन ऑल है। सही है, तो ये रीजन ऑल है। ये काफी लोगों को क्वालिटी में इशू होता है कि यार वो ऐसा कैंपेन नहीं चल रहा, तो ये यूएस अकाउंट पे चल जाएगा। और रेजिडेंट ईविल 4 12,000, जी टी 5 ये ब्रांड न्यू है 7,000, यूज में नहीं, यूज में नहीं है। फार क्राय 6 4,500, स्नैपर एट 5 9,500 का ब्रांड न्यू, गाड़ियों की गैलेक्सी 5,500, कीना मिलेगा 7,000, 2K23 ये ब्रांड न्यू है 13,000, जेडी सर्वाइवर यूज में आ गया ये 13,000, मोटो कॉम्बे अल्टीमेट 5,000, कोल्ड वॉर 6,000, हाउस ऑफ एशेस 5,500 का ब्रांड न्यू, डेस्ट ट्रेंडिंग का आपके पास है ब्रांड न्यू, ये ब्रांड न्यू 6,000 का। ये PS5 की गेम्स यहाँ पे हो गए। अब हम आते हैं PS4 की गेम्स पर। तो PS4 में पहले मैं आपको कुछ मेरे पास एक रेयर गेम आया मेरे पास कुछ, ये जैसे M11 का प्रीमियम एडिशन है, ये स्टील बुक एडिशन है, स्टील बुक एडिशन है। जैसे अल्टीमेट के अंदर सारे करेक्टर्स होते हैं इसी तरह इसके अंदर भी सारे करेक्टर जो है वो होंगे, ये आप देख सकते हैं स्टील बुक। सही है, तो ये हो गया सीफू स्टील बुक है, ये मिलेगा 5,500 का। अच्छा 5,500 का ये मिल जाएगा। सही है, ये 6,000 का है सीफू का स्टील बुक एडिशन। कितने का? 6,000 का, 6,000 का ये है। सही है, 6,000 रुपए का ये हो गया। टूम रेडर का स्टील बुक ये 4,000 का स्टील बुक एडिशन है। सही है, और अच्छा हेल ब्लेड जैसे कि आपको एक तरह रेयर गेम ही हो गया ये, बहुत मुश्किल से मिलता है ये, तो ये यूज में मौजूद है। कितने का दे रहे हो? ये 3,500 का, 3,500 रुपए का ये है। सही है, और हम आते हैं नार्कोस राइज ऑफ द कार्टेल्स, ये मैं 2 CD पे एक सीडी पे। तो ये कितने का? 4,000 का, बेस्ड ऑन दी हिट नेटफ्लिक्स सीरीज टीवी सीरीज, देख सकते हो आप। हाँ, ये वैसे आप मेरा निकालना आपने कहीं देखा होगा, अगर आपको ये मैंने खुद पहली बार देखा, नाम भी पहली बार सुना कि ऐसा कोई गेम भी आया है नार्कोस का। ब्लैक कितने का? ब्लैक सेट है 4,000 के, इसके रेट है। यहाँ पर है ब्लैक सेट, ये भी अंडर द स्किन, ये बहुत काफी अच्छा गेम है, इसके यूट्यूब पे भी गेम प्ले भी देख सकते हैं, ये भी 4,000 का, 4,000 का ये। सही, यहाँ पर ये रेयर गेम्स हो गए अपने। अब हम आते हैं अपना PS4 के ये गेम से, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर आपको ब्रांड न्यू रेड डेड रिडेम्पशन 2 नहीं देखने को मिलेगा, और यहाँ पर यूज में आपको एक मिल रहा है, न्यू भी मिल रहा है, यूज न्यू दोनों मौजूद है। अच्छा खासा यूज है, अच्छा ये भी मौजूद है, यानी अच्छे खासे पीस यहाँ पे, जहाँ पर दुकानों पर आपको एक पीस मुश्किल से देखने को मिलता है, यहाँ पे माशाल्लाह से अच्छे खासा स्टॉक अवेलेबल है। तो पहले इसी से स्टार्ट लेते हैं, ब्रांड न्यू कितने का ये? 6,000 का, और यूज 4,500, माफिया ट्रिलॉजी 6,000, और स्पाइडरमैन गेम ऑफ द एडिशन यूज्ड है। अच्छा ये जी 4,500, अच्छा ये गेम ऑफ द एडिशन है, तो इसका कोड पता नहीं यूज्ड हुआ है या नहीं हुआ है, तो अगर यूज हुआ तो स्टैंडर्ड है, इसका शायद एक कोड भी रखा हुआ है, मैं कंफर्म कर दूंगा, अगर खाली किसी को कोड चाहिए तो वो 2,500 का है। सही है, और कीना 6,000 का ब्रांड न्यू, और असैसिन क्रीड इजी कलेक्शन ये 3,800 का ब्रांड न्यू, और क्वालिटी वर्ल्ड वॉर 2 1,800, एवेंजर्स यूज है 3,000, 32 ब्रांड न्यू 3,800, अनचार्टेड 4 1,800। अच्छा गॉड ऑफ वॉर का वो लॉन्च एडिशन में देख रहे हैं जी, उसका कोड उसका यूज है, उसके पास के दो पीस रखे हुए हैं, एक स्टैंडर्ड एक लॉन्च है 11,000 का, 11,000 का। एनएफएस हीट 3,500, एल्डर रिंग ये यूज है 6,000, क्रिकेट 19 5,000, क्रिकेट 22 7,000, रेजिडेंट ईविल विलेज
6000 अनटिल डॉन 1800 मोटो कॉम्बे 11 नॉर्मल ये ब्रांड न्यू है 4000 का और अल्टीमेट 6000 का ब्रांड न्यू 6000 का 2K19 2500 वेलहेला 4000 मैडमैक्स 2800 का नया मैडमैक्स नॉर्मल वो स्टील बुक था अच्छा वो स्टील बुक ये दोनों को ऐसे भी 2800 का 2800 रुपए का सही एक नया है एक यूज है अच्छा अनचार्टेड ये 2500 फार क्राई 6 4500 इवल विदन 2 2800 पेबैक ये ब्रांड न्यू है 3500 डेथ स्ट्रैंडिंग ये ब्रांड न्यू 3000 डार्क सोल्स मौजूद है यहाँ पे ये गेम ऑफ द ईयर एडिशन है 3000 का 3000 रुपए का गोस्ट ऑफ ट्सुशिमा 5000 डेथ गॉन 3500 जेडाई फॉलन 3500 ये मेगा रेयर गेम है ये भी है एलेजिन और लाइन की गेम सेगा वाला में खेलते थे तो ये वही गेम है इसमें ये है कि कुछ जगह आप सेव भी कर सकते हैं कुछ शेप भी चेंज कर सकते हैं ये 3500 का है 3500 का इतना ये वाला गेम कार्टून नेटवर्क का बैटल क्रैशर्स ये भी आपको कहीं मिलेगा कहीं भी नहीं बहुत मुश्किल से ये 3000 का है ये और माइनक्राफ्ट माइनक्राफ्ट 5500 ये लाइफ इज स्ट्रेंज का आपका यूज मौजूद है यहाँ पे ये ब्रांड न्यू है लीजन ऑल है ब्रांड न्यू है 4000 का 4000 का ये इट टेक्स 2 मौजूद है ब्रांड न्यू 5500 ये फास्ट एंड फ्यूरियस क्रॉस रोड ये 3000 का ड्रैगन बॉल द कैकरोट ब्रांड न्यू 4000 और टर्टल ब्रांड न्यू 6500 अ वे आउट 4000 अच्छा वे आउट डबल प्लेयर है ना सिंगल नहीं खेलता डबल प्लेयर गेम है लेकिन जिसने ये नहीं खेला मैं कहता हूं से कुछ नहीं खेला ये डबल प्लेयर के अंदर बहुत अच्छा गेम है इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है मैंने रिसेंटली से लास्ट वीक ही खेला है दोबारा तो सिंगल बंदा नहीं खेल सकता सिंगल बंदा नहीं खेल सकता दो खेल सकते हैं लेकिन बहुत अच्छा गेम है स्नाइपर एलीट 5 6500 क्वालिटी वैनगार्ड ये ब्रांड न्यू है 7000 रीजन ऑल अच्छा मॉडर्न वॉरफेयर 2 मौजूद है यहाँ पे जी मेरे पास दो पीस रखे हुए हैं ये 12500 का 12500 रुपए का मॉडर्न वॉरफेयर ये रीजन ऑल है वन है रीजन ऑल है 4500 रेजिडेंट ईविल 3 3500 स्किरो भी आपके मौजूद है यहाँ पे शैडोज डाई ट्वाइस तो क्या इसके रेट है 6500 का है ये भी एक रेयर गेम है एक तरह ये भी रेयर गेम है मेरे पास तीन पीस रखे हैं इसमें तीन पीस माशाल्लाह मौजूद है यहाँ पर कितने इसके रेट बताए 65 रुपीज़ और जंप फोर्स 3500 टर्मिनेटर भी काफी रेयर गेम है ये 4000 का है अच्छा इनजस्टिस का ये 1 है यहाँ पर अल्टीमेट एडिशन जी ये 2000 का 2000 का लास्ट वन पार्ट 2 4500 स्ट्रीट फाइटर 5 ये अल्टीमेट एडिशन है ब्रांड न्यू 5500 का नॉर्मल 2800 का इनजस्टिस 2 2800 का एशियस क्रिकेट ब्रांड न्यू 3000 यूएससी 4 5000 सही है हिटमैन 3 6000 एसएससी क्रिकेट हिटमैन 3 6000 का है और इसके अंदर अब अपडेट आ गई है जिसके अंदर 1, 2, 3 तीनों आपको मिलेंगे अच्छा तो अब आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं हिटमैन 3 अगर आप लेते हैं तो आपको तीनों पार्ट वैसे ही फ्री दो पार्ट आपको फ्री मिल जाएंगे और एसएससी क्रिकेट रिमास्टर्ड वो ब्रांड न्यू 3800 का सही है यहाँ पर अब हम आए कुछ गेम्स पर इनफेमस सेकंड सन कितने का 1500 ये टूम रेडर ये कौन सा वाला ये राइज ऑफ टूम रेडर है राइज ऑफ टूम रेडर सही है ये 2000 का है ये 2000 का ये खोल के दिखाएं जरा ये आप देख सकते हैं पूरी बुक है इसकी बेहतरीन कितने का 2000 2000 रुपए का ये है सही है शैडो ऑफ द टूम रेडर नॉर्मल 2300 नो मैन्स का है 1800 ड्रैगन बॉल द यूनिवर्स 2 2000 वॉइस डॉग्स वन है ये 1200 का 1200 रुपए का सही है GTA 5 ब्रांड न्यू 4800 4800 Assassin's Creed Unity नया 2800 2800 रुपए का सही है Assassin's Creed और Chronicles ये ब्रांड न्यू 2800 Watch Dogs 2 2000 Arkham Knight Batman Arkham 1800 दो पीस मौजूद है यहाँ पे आपके पास जी जी सही है Assassin's Creed Origins 2800 बने Kingdom Heart 2000 सही है तो फिलहाल जैसे ही आपने देखा है कि बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्राइसेस यहाँ पे दे दी गई हैं और PS4 की बहुत बेहतरीन प्राइस दी हैं इस बार अपना मोहसिन भाई ने अच्छा इन्होंने पैकेज दिया है तो मैं यही कहूँगा कि भाई जिसको चाहिए अपना PS4 सस्ते सस्ते में मोहसिन भाई से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बहुत बेहतरीन रेट इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी हैं आपको अच्छे से अच्छे रेट यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं तो फिलहाल वीडियो को अभी यहीं पे एंड करते हैं यही थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि मैं वीडियोस के नोटिफिकेशन आप टाइम टाइम मिलते रहे किसी भी चीज़ की प्राइस वगैरह पूछनी हो गेम्स की कंसोल्स की कंट्रोलर्स की कोई लेटेस्ट गेम चाहिए हो तो वो भी आपको यहाँ पर मिल सकता है आप इन्हें पहले से कॉन्टैक्ट करके बता दें तकरीबन हफ्ता दो हफ्ते पहले एक हफ्ते पहले बता दें आप कोई अगर आपको मेम्बरशिप चाहिए हो तुर्की वाली US की UK की जो भी आपको मेंबरशिप चाहिए हो गिफ्ट कार्ड चाहिए हो तो सब यहाँ पर एक्सबॉक्स के गिफ्ट कार्ड एक्सबॉक्स की मेंबरशिप सब यहाँ पर अवेलेबल है अपना मोहसिन भाई के पास तो इनका नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह गूगल मैप लोकेशन अपना वेबसाइट का लिंक सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा मेरे सोशल मीडिया लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहाँ पर हमें फॉलो कर लें तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।